नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे किचन में। जैसे कि आप देख रहे हैं, देखो हमारा किचन पूरे बर्फ के बीचों बीच हमने बना रखा है। आज हम बनाएंगे एक और बेस्ट स्नैक्स बनाएंगे आपके लिए, जो फटाफट तैयार होता है घरों में, आप भी इसको इजीली बना सकते हैं। तो आपने ब्रेड पकौड़ा का नाम तो आपने सुना होगा, ब्रेड पकौड़ा हर जगह आपको ईजिली मिल जाता है। तो आज हम बनाने वाले ब्रेड पकौड़ा विथ ट्विस्ट के साथ, कुछ नया। ब्रेड पकौड़ा में मोस्टली लोग क्या करते हैं, आलू का ही मसाला डालते हैं। आज हम इसमें डालेंगे पनीर चीज और उसकी अलग तरीके से हम बना के देंगे आपको। लेट्स स्टार्ट। अब हम बनाते हैं, ये आप देख सकते हैं मेरे पास, हमने ब्रेड को ऐसा राउंड शेप में काट दिया ब्रेड को। मेरे पास कॉटेज चीज है, यहाँ पे चीज़ स्लाइस है, यहाँ पे मेरे पास आलू का मसाला है, आलू का मसाला है, इसमें नमक हल्दी डाल रखा हमने, कढ़ाई मेरी गर्म है, बेसन का वो हमने ऐसा बना के रखा है जो ब्रेड पकौड़े के लिए ईजिली बन जाता है। तो लेट्स स्टार्ट। मसाला जो हमारा ब्रेड है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आलू का मसाला तो हमने इसमें डाल दिया है। अब हम डालेंगे इसमें, मेरे पास कॉटेज चीज है, पनीर, पनीर हमने डाल दिया। अब जो ट्विस्ट है, ये है मेरे पास चीज़ स्लाइस, इसके ऊपर हम डालेंगे चीज। चीज़ स्लाइस डालेंगे हम इसके ऊपर, चीज़ स्लाइस हमने डाल दिया, ऊपर से हमने इसको ऐसा दबा दिया। तेल भी हमारा गर्म हो चुका है, तो अब हम इसमें डालेंगे बेसन के बैटर, हमें इसको डाल रहे हैं। अब हम इसको ऐसे डाल देंगे, ये नई स्टाइल का ब्रेड पकौड़ा है। ये भी दो मिनट हम इसको स्लो आंच में पकाएंगे, अभी दो मिनट। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, जो हमारा ब्रेड पकौड़ा ये है, हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसको निकालेंगे, प्लेटिंग करेंगे हम। ये हमने निकाल दिया है, ये आप देख सकते हैं ब्रेड पकौड़ा हमने कुछ नए स्टाइल में देने का वो किया है। सकते हैं यहाँ पे मेरी पटाटो की वो है, चीज की लेयर है, तो ये एक अलग ही फ्लेवर आएगा खाने का। इसको हम गार्निशिंग कर रहे हैं, गार्निशिंग के लिए हमारे पास ये आप देख सकते हैं बर्फ, एक पैन में हमने बर्फ ले ली, तो कुछ है नहीं ऐसा साधन, तो हम गार्निशिंग प्लेटिंग हम इसी में करेंगे। ये हमारा ब्रेड पकौड़ा रेडी हो गया है, तो आप भी जरूर ट्राई करो घर में। तो फ्रेंड दे, आप देख सकते हैं हमारा ब्रेड पकौड़ा बाइट तैयार हो गया है, पूरा बिल्कुल रेडी है। आप भी जरूर घर में ट्राई करो, तो ये आप देख सकते हैं, अभी फोटो बनती है, कितनी टाइम फोटो है ना।